नमस्कार क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैंस, फिर से चलने वाला है क्रिकेट का फीवर, क्योंकि स्टार्ट हो चुका है एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 जो कि हो रहा है यूएई में। नेपाल की अंडर 19 क्रिकेट टीम काफी अच्छा खेल रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आई है मैचेस में। जो पुराने मैच हुए काफी बड़े बड़े मार्जिन से टीम्स को हराया है, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। यहाँ पर नेपाल इस कप को जीतने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी रखती है और इसी पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी टीम होने वाली है, किसके साथ नेपाल के होंगे मुकाबले और कब कब है ये मुकाबले और कैसे नेपाल इस फाइनल को जीतकर एक इतिहास रच सकता है अंडर 19 में। तो नेपाल के पास एक अच्छा मौका, लेकिन यहाँ पर चुनौती जरूर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर नेपाल और इंडिया के इस मैचेस को जीतने के चांसेस ज्यादा है जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, लेकिन उससे पहले नेपाल की अंडर 19 क्रिकेट टीम को मोटिवेट करने के लिए लिखिए नेपाल अंडर 19 टीम विल विन दिस एशिया कप 2023, या फिर अपनी फेवरेट टीम को मोटिवेट जरूर करिए कमेंट बॉक्स में। अब इस एशिया कप 2023 में कुल मिलाकर 8 टीमें होने वाली है और इन 8 टीमों को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, साथ ही साथ नेपाल, यानी कि ग्रुप ए में नेपाल के मैचेस इन टीमों से होने वाले हैं। साथ ही साथ ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान और यूएई, और यूएई ही इस मैच को होस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये मैच आसान तो नहीं होंगे इन टीमों के लिए खेलने के लिए, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद है सभी टीमों के, क्योंकि नेपाल ग्रुप ए में है तो नेपाल को खेलने पड़ेंगे मुकाबले पाकिस्तान, भारत, साथ साथ अफगानिस्तान से। और सबसे पहला मुकाबला नेपाल का 8 तारीख को है, 8 दिसंबर को है पाकिस्तान के साथ, जो कि आज है। नेपाल का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर को है, जो कि है अफगानिस्तान से। साथ साथ तीसरा मुकाबला है भारत के साथ, जो कि है 12th ऑफ दिसंबर को, और ये मुकाबला काफी कड़ा होगा। साथ साथ यूएई भी पीछे नहीं हटने वाली ग्रुप बी से, क्योंकि यूएई में खुद मैचेस हो रहे हैं, तो वहां पर यूएई थोड़ा स्ट्रांग जरूर होगी, क्योंकि वहां पर यूएई को पता है अपनी पिच कैसे काम करने वाली है। और इन मैचेस को अगर नेपाल जीत लेता है तो 15th ऑफ दिसंबर को नेपाल का होगा सेमीफाइनल, और वो भी अगर नेपाल जीत लेता है तो 17th को होगा फाइनल, जो कि नेपाल अगर जीतेगा तो जीतेगा एशिया कप 2023 अंडर 19, जो कि एक बड़ी हिस्ट्री होगी फिर से नेपाल के क्रिकेट के लिए। मे बी हिस्ट्री विल बी क्रिएटेड बाय नेपाल दिस टाइम, लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि धुरंधर टीमें खेलने वाली हैं, भारत है यहाँ पर, साथ साथ पाकिस्तान भी, जिनका क्रिकेट काफी अच्छा रहा है। लेकिन यहाँ पर नेपाल को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि नेपाल के अंडर 19 में काफी अच्छे मुकाबले खेले, काफी जोश में टीम है, और जापान में पैन के साथ जो मुकाबले थे बहुत एक तरफा जीते हैं मैचेस, काफी अच्छे मार्जिन से जीते और काफी विकेट भी चटकाए गए, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है नेपाल। और आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा एशिया कप 2023, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 17 दिसंबर को तो नतीजे आ ही जाने। जिससे ज्यादा पैसे और पैसे से ज्यादा है एक एप्लीकेशन, जो कि है कि आप भी एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां पर विदाउट रिस्क सिर्फ प्रिडिक्शन करके पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं जो कि है 1xBet। ये एक रिलायबल एप्लीकेशन जहां पर क्रिकेट, पोकर, फुटबॉल जैसे 100+ मैचेस, साथ ही साथ 300 से भी ज्यादा गेम्स है जहां पर आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हो, लाखों अर्न कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर रजिस्टर करें अभी, और मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करें NINews, जिसके साथ आप लोग को हर डिपॉजिट पर मिल सकते हैं 26,000 तक की के बोनसेस। इस पर डिपॉजिट करना भी बहुत आसान है, कोई भी UPI, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी आप लोग यूज करें, और भी पेमेंट मेथड है जिनको आप यूज करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो जाओ फटाक से रजिस्टर करो, लिंक इन द कमेंट बॉक्स। तो मेरे हिसाब से नेपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है अंडर 19 में, जो कि यहाँ पर मैचेस को जीत सकता है, अच्छे प्लेयर्स हैं और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा जरूर। लेकिन मेरे हिसाब से यार नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान ये स्ट्रॉन्ग टीम है, साथ साथ यूएई भी है, तो यहाँ पर इन टीमों के ज़्यादा चांसेस है इस मैचेस को जीतने के और एशिया कप 2023 जीतने का। और मैं चाहता हूँ कि एशिया कप नेपाल जीते, भारत जीते या फिर श्रीलंका जीते, जिससे ये आसपास ही रहे यार, ज़्यादा दूर ना ट्रेवल करके जाए। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ये टीम में से कोई भी जीते तो मजा ही आएगा, अच्छा क्रिकेट जो खेलेगा लेकिन वही जीतेगा। और देखना पड़ेगा 8 दिसंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में जो मैचेस होंगे कितने मजेदार होंगे। तो मेरे साथ आप लोग 8 दिसंबर का ये मैच लाइव 11 बजे से देख सकते हो, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, जहां पर कॉमेंट्री कर रहा होगा आपका दोस्त, आपका वो शिवम। और नेपाल की अंडर 19 टीम के प्लेयर्स की बात करें तो खेलेंगे इन मैचेस को देव खनल, जो कि है कप्तान। साथ साथ टीम में है अर्जुन कमल, आकाश त्रिपाठी, दीपक प्रसाद, हेमंत धामी, गुलशन कुमार झा, दीपेंद्र प्रसाद, विशाल विक्रम, सुभाष बांद्री, दीपक बोरा, उत्तम थापा, बिपिन रावल, तिलक राज और आकाश चंद्रा। साथ साथ इनमें से प्लेइंग 11 सिचुएशन के हिसाब से चुने जाएंगे जो कि मैचेस में खेलेंगे। और आज का मुकाबला है पाकिस्तान के साथ, जो कि एक कड़ा टक्कर का मुकाबला होने वाला है, उसको भी मैच को देखेंगे और देखेंगे कि नेपाल क्या पाकिस्तान को हरा पाएगा या फिर नहीं। एक बड़ा टक्कर वाला मुकाबला होगा, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल अंडर 19 का मुकाबला। और आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपनी फेवरेट टीम जरूर लिखिएगा, और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा वो भी जरूर लिख के मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी अपडेट्स के लिए, और देखते रहिए NINews with शिवम।